तो बताओ ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों दे रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से, और आज हम लोग जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमारा है एजुकेशनल टूर प्राची फाउंडेशन की तरफ से। और आज हम लोग निकल रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार डेस्टिनेशन के लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आज जाने वाली हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो कहाँ जाने वाली हूँ तो आप गेस्ट करिए, मैं आपको डेस्टिनेशन पर जाके बताती हूँ। जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शाम आना, आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदियों बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां। हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी, ताजी हंसने को राजी, गर्म कर अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चख ले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदियों बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां। आसमां का रास्ता देखो खुल गया, मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। उड़ने को तू आजाद है, बंधन तो ही अब है कहां। चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां।
कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान। दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा में लिख के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। अब उसकी जो बेस्ट फ्रेंड उसको डर लग रहा है कि अब ये मेरा भी खून कर क्यों इसका दर तो वो जाती है और बोलती है हैरान तू मौसम का है एक थाली में दो अंडे एक गरम एक ठंडे बताओ कौन वो दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान। अभी हम लोग पहुंचे हैं कुमारी के पास पहुंच गए हैं और अभी पहुंचने में हम लोगों को कम से कम मेरे ख्याल 15-20 मिनट का टाइम पहुंचने वाले हैं। काफ़ी मस्ती हुई काफ़ी मजा हुआ काफ़ी मज़ा आया तो आगे भी ऐसा ही बनना ही रहेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। बच्चों के साथ जाते हैं ना तो मज़ा कुछ और ही रहता है। ये देखो पूरे गए प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है धूल धूप है झम से बिखर तू है नदी। पहुँच ही गए हैं रायपुर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। बस अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए हम लोग सिर्फ 4-5 मिनट बाकी है। सोचा था कि 11 बजे तक अपने को पहुँचना है तो 11 बजने ही वाले हैं और हम जो है वो पहुँचने हैरान तू मौसम का है मेहमान तू। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर दूरदर्शन में पहुँच गए हैं। थोड़ा बस रुकने में दिक्कत थी तो वहाँ पर क्या है थोड़ा अच्छे से पानी नहीं और बच्चों को उतारने में थोड़ा समय लगता है। मतलब जहाँ पर आपको जगह मिले पहले वहाँ पर उतारिए ताकि बच्चे हमारे कंफर्टेबल हो गए। बस थोड़ा सा ही मतलब एक मिनट में चलना है और हम लोग इधर पहुंच गए और सारे बच्चों को चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग तेरे आकाश है धूल धूप है झम से बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं खुश जहां खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो
गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहां। मौसम का है मेहमान, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। अब हम लोग दर्शन के लिए निकल गए, उदासी ताजी हसीने को राजी कर, मगर मसारी अभी हम लोग बचपन से जब हम छोटे होते थे तो दूरदर्शन हम लोगों ने देखा था, हमारे घरों में वो एंटीना जो यहाँ पर हमारे देखने को मिला वो सब देखने को देखा है हमने। और आज हमने देखा कि किस तरह से मतलब हमारे चैनल पे सिग्नल्स आते हैं, हम टीवी देखते हैं, लोग किस तरह से न्यूज़ पढ़ते हैं, कई बार हमारे सुनते हैं इतनी लंबी चौड़ी खबरें ये पढ़ कैसे रहते हैं, जिसमें बच्चे बहुत अमेज्ड होते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने पूरा स्कूल दिखाया, बहुत कॉपरेटिव स्टाफ है और जिन्होंने हमें बताया एक एक चीज़ के बारे में बताया, उनकी नॉलेज उसमें बहुत ही अमेजिंग वाली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और बच्चों को उनके जो बताने का तरीका नॉलेज आते हैं ना, बहुत कम में होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट सब में होता है, एक्सप्लेन करने का जो तरीका था वो वाओ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं डिटेल में आप लोगों से कुछ बात करूँगी, कल जाके अब हम जा रहे हैं उनका पास, अब लंच करेंगे और कुछ हमारी एक्टिविटीज करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बने रहिए।